ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल पहले फुर्सत से, चल निकल, चल बवंडर से भिड़ेगा, बवंडर से भिड़ेगा, बवंडर से। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। अब मैं अपनी वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था तो मैं यूट्यूब पे टहलते टहलते कैरी भाई की स्ट्रीम पे पहुंच गया। जस्ट उसी टाइम उनको एक सुपर चैट आएगी, थारा भाई जोगिंदर को 30 सेकंड में रोस्ट करो। वैसे तो ऐसे बंदों को कैरी भाई इग्नोर कर देते हैं, बट उन्होंने रोस्ट तो नहीं करा बट ट्रोल जरूर कर दिया। कैन यू प्लीज रोस्ट थारा भाई जोगिंदर इन 30 सेकंड्स? जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, पिछले 6.5 साल से, क्या पिछले साल ये वाला जो फेफड़ा है ना, ये वाला फेफड़ा भाई का फ्रैक्चर है भाई, तब भी जिंदा है, समझ रहे हो? कैसे मारता हूँ इतनी तेज तेज। थारा भाई जोगिंदर, तो उसके बाद थारा भाई जोगिंदर ने वीडियो डाली, बाकी तो तुम्हें पता ही है कि वीडियो में क्या होगा। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, बस यही था पूरी वीडियो में। एंड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा, अब देखना मैं तेरा स्वागत कैसे करता हूँ सोशल मीडिया पर, बवंडर अब आएगा .. .. तो उसी थारा भाई जोगिंदर की वीडियो के बाद दुनिया में ये हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस जब कंटेंट खुद चल कर हमारे पास आएगा तो हम इतने शरीफ नहीं है कि उस कंटेंट को जाने दे। चलो तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आजा, तू भी आजा, तेरी भी कमी थी ओ गंजे, भाग जाना तो घर में घुस कर मारूंगा, समझ में आ गई? तेरी औकात क्या मेरे सामने है बता, पहले तू होता कौन है सपोर्ट में आने वाला? नहीं नहीं बस यही है थारा भाई जोगिंदर की रोस्ट। वैसे थारा भाई जोगिंदर ने बोला भाग जाना ही तो घर में घुस के मारूंगा, बट अगर दीपक कलाल भागेगा नहीं तो थारा भाई जोगिंदर उसके घर में नहीं घुस पाएगा, और अगर दीपक कलाल भाग गया तो थारा भाई जोगिंदर भी भाग जाएगा क्या? और अगर कोई भी नहीं भागा तो कौन मारेगा और कौन मरेगा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जा पूछ क्या। नहीं नहीं थारा भाई जोगिंदर पहले तू ये बता, ये चक्री सी क्या घुमा रहा है? तो गाइस तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि ये कैरी मिनाटी को बोल रहा है कि आजा आजा तेरी भी कमी थी, क्योंकि टाइटल में तो इसने यही लिख रखा है कि थारा भाई जोगिंदर फाइट विद कैरी मिनाटी एंड दीपक कलाल। बट नहीं, हम सब गलत थे, कैरी मिनाटी इस पूरी वीडियो में कहीं भी नहीं है। और बात रही गंजे की तो तुम्हें पता ही है गंजा कौन है। लगा दे भाई मीम, लगा दे, चाय पियोगे पापे खाओगे? जितनी सपोर्ट मार सकता है ना उतनी सपोर्ट मार दिया, कान खोल के सुन ले, अपने बाप कैरी मिनाटी ने बुला लिए, मेरा कुछ नहीं कर सकता सोशल मीडिया के अंदर, समझ में आ गई? तुम लोगों ने धंधा खोल रखा है सोशल मीडिया के अंदर, धंधा तुम्हारा धंधा बंद करा दूंगा सोशल मीडिया के अंदर से। अबे क्या सीन है ये, पहले बोलता है तू कौन है कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने वाला, और उसके 2 सेकंड बाद बोलता है अपने बाप कैरी मिनाटी को बुला लियो, कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। थारा भाई जोगिंदर पहले सोच लिया अगर कि बोलना क्या है, नहीं जैसे पायल धोन के दिमाग में कोरोना घुसा था ना, वैसे ही तेरे दिमाग में भी कोरोना घुस चुका है और वो बाहर निकला नहीं है अभी तक, और वहीं अपना घर बनाकर रह रहा है आराम से। तो यूट्यूब पर फेमस होके लोग पैसा कमाने ही आते हैं, बट फेमस का मतलब ये नहीं कि इस टाइम थारा भाई जोगिंदर सबको पता है कि कौन है, तो उसका मतलब फेमस नहीं होता, इज्जत भी होनी चाहिए। भाई अपनी वीडियो में ये भी बता दे कि थारा भाई जोगिंदर की वजह से बहुत लोगों की छाती में क्रैक भी आया है और वो आज तक ठीक नहीं हुआ। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? थारा भाई जोगिंदर पूरी वीडियो में लड़ाई दीपक कलाल से हुई है, बातें दीपक कलाल से हुई है, रोज दीपक कलाल से हुआ है, बट टाइटल में तूने ये क्यों लिखा कि थारा भाई जोगिंदर लाइव फाइट विद कैरी मिनाटी एंड दीपक कलाल? क्योंकि कैरी तो मुझे पूरी वीडियो में कहीं भी नहीं दिखा। अच्छा 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 अच्छा, पहले से चैनल की रीच कम हो गई है, आज से 1 महीने पहले चैनल पे 4-4 लाख व्यूज आ रहे थे एंड अब 1 लाख भी नहीं आ रहे, तो क्लिकबेट तो करनी पड़ेगी ना, टाइटल में कैरी मिनाटी डालना तो पड़ेगा ना। मेरी बात सुन, कान खोल के। मैं कान खोल के नहीं, मैं खोल के सुनूंगा, सुन ले, सुन ले, अच्छी तरह सुन ले, कैरी मिनाटी तेरे साथ रहेगा, ठीक है? देखो भाई मैं इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मुझे भी देख देख के हंसी आ रही है, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार हंसी आती है। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं तो भाई दीपक कलाल के साथ हूँ, क्योंकि भाई जो मार रहा है ना दीपक कलाल थारा भाई जोगिंदर की, वो भी लाइव स्ट्रीम में, वो भी इंस्टाग्राम पे, एपिक भाई एपिक। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बस इससे ज्यादा क्रिंज नहीं देख सकते। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर देना, और कमेंट करके बता देना यार वीडियो कैसी लगी। चलो गाइस बाय बाय।